वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि इसका इनका 2007 में हुआ था और इसको ऑफिशियली 2013 में सेलिब्रेट किया गया था और 130 से ज़ायद ममालिक में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम बाकी तो अपने जिस्म का बहुत ख्याल रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो लोग डॉक्टर के पास बाकायदगी से जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओरल हेल्थ को हम लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं। और जैसे आपने बताया कि योर माउथ इज़ एक्चुअली द गेटवे टू योर बॉडी, आपकी हर चीज़ आपके मुँह के ज़रिए जाती है। आप खुराक लेते हैं, आप बोलते हैं, आप चबाते हैं, तो अगर मुँह की सेहत ठीक नहीं है तो बाकी जिस्म की सेहत भी ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो इसी वजह से वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने इस दिन का इनकाद किया ताकि हम एक पूरे साल के लिए, हर 20 मार्च को हम इसको मनाते हैं, ताकि हम पूरे साल के लिए अहद करें कि हम अपनी कम्युनिटी को में ओरल हेल्थ अवेयरनेस दे सकते हैं। इस हिसाब से कैंपेन्स चलती हैं, तकरीबात होती हैं, फ्री कैंप्स लगते हैं। ग्रेट। तो जो अवेयरनेस आप ने जो एक डिसाइड किया है कि अवेयरनेस फैलानी है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं आप? सबसे पहले तो चीज हम यही कहते हैं कि आप एक चेकअप के लिए हर 6 माह बाद जरूर डेंटिस्ट के पास आया करें। इस चीज का एवरी सिक्स मंथ बिल्कुल, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली तब जाते हैं डेंटिस्ट के पास जब तक एक मुंह में सोजिश ना हो जाए या बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो जाए। आपको पता है दांत की तकलीफ इज वन ऑफ द वर्स्ट पेन्स। तो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले आके एक दफा हर 6 माह बाद अपना चेकअप कराएं। और दांतों की सफाई बहुत बहुत अहम है, दिन में 2 दफा जरूर दांत साफ करें। कब किस किस टाइम पर? आइडियली तो जी कहते हैं रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। सही। क्योंकि आपने सारा दिन में जो खाया होता है वो आपके दांतों में और 2 दांतों के दरमियान की जगह में वो फंस जाता है, ठीक है। और रात को जैसे आपने बताया कि हमारे मुंह में बहुत से जरासीम हैं, तो वो जरासीम पर रात के टाइम एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपके मसूड़े भी सूजते हैं और आपकी दांतों में कैविटीज़ या खलाएं, जिसे आपने बताया।